कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी जिस कंपनी IFBHO इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 35 करोड़। कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोगों को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए, धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। और हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि RJD को जो हिस्सा जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख, कुल 63% इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। RJD तो सत्ता में साझेदार थी, ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला, इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती। 63% तो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने RJD ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिप्पी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। जिस कंपनी IFBHO इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 35 करोड़, कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 35 करोड़ रुपए। अभी हमको समझ में नहीं आता है कितना बड़ा जालसाजी कैसे हो। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था, सब
आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे, शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप कर ही चुके हैं, पूर्णिया में वोट मांग लेते हैं दाएं बाएं, इसलिए नर्वस तो आप कर चुके हैं, लेकिन इन शराब कंपनियों से क्या डील हुआ था ये बिहार की जनता को बताइए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।